सो हेलो एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आप सबका स्वागत है इन द डेली आंसर राइटिंग लेक्चर नंबर सेवेंटी नाइन्थ तो देखिए जो आज का हमारा क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस किए थे एथिक्स में से जो कि हमको क्यूटेशन बेस्ड या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट डस हैप्पीनेस मीन टू यू या फिर पावर फ्लोस टू द बैरल ऑफ गन्स तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली फ्रॉम द एथिक्स पार्ट और ये मेजरली आपने देखा होगा कि 40 से 50 मार्क्स तक ये पूछे जाते हैं तीन या चार पार्ट्स में ये पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि एथिक्स में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए तो उसी के चलते आज ये अब हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी की जो फेमस सेइंग है दैट द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स तो देखिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लाइन है अगर आपको नहीं भी पता हो किसने कही है तब भी आप अपने पर्सपेक्टिव से अपने नज़रिए से इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर कैसे इमेजिन करना है प्रेजेंटेशन कैसे इमेजिन करनी है पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड या फिर कोटेशन बेस्ड दीज आर बेसिकली फॉर टेन मार्कर्स एंड प्रोबेबली वन फिफ्टी वर्ड्स के ये क्वेश्चन रहेंगे तो आपको विद इन द वर्ड लिमिट रहते हुए जितना आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे उतना ही ज़्यादा उसको बेटर तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी उस कोटेशन में या स्टेटमेंट में बात हुई है आपको उसके साथ एग्जांपल्स देने बहुत ज़रूरी हैं कि जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज़ टू लूज़ योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स तो उसके साथ जब तक आप इस चीज़ के एग्जांपल्स नहीं देंगे तब तक आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे या फिर जो मैक्सिमम नंबर उस टाइम पे रिवॉर्ड किए जा रहे हैं तो देखिए अगर हम इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ये किसके द्वारा कही गई थी इन केस अगर तो क्वेश्चन में दिया गया है सो वेल एंड गुड अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और आप ये बात कर सकते हैं कि इससे आप मतलब क्या रखते हैं कि इससे आप समझते क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप सीधा चीज़ यही लिख देंगे आपको फालतू तो चीज़ें घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने विद इन द वर्ड लिमिट रहते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करना है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप सीधा डेफिनेशन के बारे में बात कर लेंगे या फिर ये समझा देंगे कि आप उसे समझते क्या हैं एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ़ यू विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे रियल लाइफ में या फिर हमारे इंडियन हिस्ट्री में हो सकती है इंडियन माइथोलॉजी में हो सकती है कि उससे हमको कैसे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं जो इस कोटेशन को या फिर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं सेटिस्फाई करते हैं एंड लास्ट में हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी इसी तरह से कर सकते हैं कि आज के टाइम में हमारे पास इस चीज़ को लेके क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं देखिए हो सकता है कि आप इस स्टेटमेंट से या फिर इस क्यूटेशन से ताल्लुक़ या फिर वाकिफ ना रखते हो मतलब कि आप इससे सहमत ना हो आपको लगता हो कि ये स्टेटमेंट गलत है इसके अगेंस्ट भी चीज़ें हो सकती हैं तो आप उस हिसाब से भी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि नहीं दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो इस तरह से काम नहीं करते सो इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपकी कैसी परसेप्शन है आपकी कैसी समझ है पर आपने हमेशा एग्जांपल्स देने हैं जिस भी साइड की आप बात कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन के अगर हम स्ट्रक्चर की जैसे हमने बात की तो वेल वेरी इजी रहेंगे आपने स्टार्टिंग में कंसेप्ट की बात कर लेनी है कंसेप्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है एंड सेकेंड नंबर पर आपने एग्जाम्पल्स दे देनी है क्योंकि डेढ़ शब्दों का क्वेश्चन है तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा इसमें ज़्यादा चीज़ों को लिखने का दो चीज़ें जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि एथिक्स आंसर्स में आपने क्या ध्यान रखना है एक तो पहले है कीवर्ड कि जो जो भी कीवर्ड्स आपके पास सिलेबस मेंशन है उसको आप रेप्लीकेट करेंगे एंड सेकेंड नंबर पर एग्जाम्पल जो कि हमेशा ही एथिक्स के आंसर्स में वैलिड रहेंगी तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के कंटेंट की बात करें अब तो जैसे कि काफी फेमस कोट है आपको सबको पता होगा कि अगर हम खुद को जानना चाहते हैं खुद को पाना चाहते हैं तो दूसरों की सर्विस में खुद को ढालना पड़ेगा उसमें खोना पड़ेगा ये महात्मा गांधी जी की फेमस है तो उसी के चलते आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो हम यहां पर कर, बात कर रहे हैं कि यह जो कोट है महात्मा गांधी का इट स्टैंड ट्रू इन लेटर एंड स्पिरिट और ये सजेस्ट करता है कि अगर हमने खुद को जानना है वन मिस सीक टू सर्व द कम्युनिटी एट लार्ज कि हमारी जो कम्युनिटी है हमारी जो सोसाइटी है जैसे कि हमारे शास्त्रों में हमारे धर्मों में भी, भी यही लिखा गया है कि अगर हम खुद ही भगवान की भक्ति करते रहें, या फिर सिर्फ भगवान को पाने के लिए एक कमरे में बैठ के बंद हो जाए या ऐसा कुछ करने लग जाए और हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि जो लोग हमारे आस हैं जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए उनके वेलबिंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम बुद्धि सत्वास की बात कर लें गौतम बुद्ध की बात कर लें महावीर जी की बात कर लें कि उनके पास खुद तो एलेंटेनमेंट थी पर फिर भी वो उन्होंने औरों के लिए काम किया कि औरों की ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके या और भी आप किसी भी बड़े गुरु किसी भी रिलीजियस लीडर की बात कर लें तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि अगर खुद को उन्होंने जानना है सो द बेस्ट वे इज़ टू इज़ टू सीक द सर्व द कम्यूनिटी एट लास्ट यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ वंस रिसोर्स किस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं सो so, तीन तरह के बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हम औरों को प्रोवाइड कर सकते हैं दे आर फिज़िकली इकनॉमिकली एंड सोशली सो ये बात होगी हमारी स्टार्टिंग लाइन उसके बाद हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने की वर्ड्स को जो आपके सिलेबस में दिए गए है. हम पे हैं हम यहाँ पर बात करें दैट दी एम्पेथी एंड कंपैशन विच विल सेचूरेट हिम अगर कोई बंदा दूसरों की मदद करता है दूसरों की सर्विस करता है सो एम्पैथी एंड कंपैशन विल सेचूरेट हिम एंड द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विल मेक एंड विल मेक वन अंडरस्टैंड दैट वॉट ही डज फॉर हिमसेल्फ विल डाई विद हिम बट वॉट ही डज फॉर अदर्स विद लिव ऑन एंड बी इमोट तो देखिए कितनी बड़ी बात है इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बंदा दूसरों की सेवा करेगा एक तो उसमें एम्पेथी आएगी उसमें कंपेशन आएगा उसमें पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी और उसको ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर को कि जो भी बंदा दूसरों की सेवा करता है वो चाहे एक दिन खुद मर जाएगा पर उसकी यादें या उसका काम दूसरों के द्वारा हमेशा ही जीवित रहेगी तो ऐसी लाइनें आप वहां पर लिखेंगे एथिक्स के अपने आंसर्स में जब भी आपको कोटेशन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि रेलिवेंट होंगे आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसके बाद यहां पर हमने पहले पार्ट में पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीजें हैं फिर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे देखिए एग्जाम्पल्स कई तरह के आप ले सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में से ले सकते हैं रिलीजन में से ले सकते हैं माइथोलॉजी में से ले सकते हैं और कंटेम्प्रेरी भी ले सकते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एक या दो एग्जाम्पल्स आप हिस्ट्री में से ले लें एक या दो एग्जाम्पल्स आप कंटेम्प्रेरी ले लें और एक या आधे एग्जाम्पल आप रिलीजियस भी दे, दे दें ताकि कल को ये ना हो कि आपके पास डे मेंशन ऑफ एग्जाम्पल्स कम पड़ जाएं, जितने जितने आपके पास डायमेंशन है उसमें से एक एक एग्जाम्पल आप यहां पर लिखते जाइए तो सबसे पहले जो वेल well नोन जो सर्विस करते हैं ह्यूमैनिटी की गौतम बुद्ध और उनके साथ जो बोधि सतवास जो कि औरों के लिए अपने शरीर में रहते हैं जबकि उनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी होती है आई होप आपको ये कंसेप्ट पता होगा सो so, सबसे पहले हम एग्जाम्पल दे, दे देंगे गौतम बुद्ध एंड बोधि सतवास की वो डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ इन द सर्विस ऑफ मैन उसके बाद हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद जी की कि कैसे उन्होंने हमको डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस के बारे में बताया कि टू यूज़ अवर नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी फिर जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया हमारे इंडिया में आके मदर टेरेसा जी के बारे में बात कर देंगे कि कैसे शी इज़ द एपिटोमी ऑफ एल्ट्रोइम मतलब कि दूसरों की हेल्प करने में सबसे आगे थी सेक्रीफाइजिंग हर बॉडी माइंड एंड सोल टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड लास्ट में हम जो लेटेस्ट एग्जांपल है जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया उनको आ, पीस प्राइज भी मिला कैलाश सत्यार्थी उनकी जो फाउंडेशन है जैसे वो बच्चों के लिए काम करती है ताकि उनका भविष्य अच्छा हो वेर ऑल चिल्ड्रन आर फ्री सेफ हेल्दी एंड रिसीव क्वालिटी एजुकेशन एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव रियलाइज देयर पोटेंशियल तो ये चार एग्जांपल्स हमने बात कर ली फिर हम बात करेंगे बिजनेस में से कि हमारे पास आज के टाइम में जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर डोनेशंस करते हैं वहाँ पर सोसाइटी को सर्व करते हैं यहाँ पर जो रेकग्नाइज नाम है हमारे पास जैसे कि अजीम प्रेम जी हमारे इंडिया के और शिव नादर जो कि विप्रू एंड एच के फाउंडर हैं उनकी बात करेंगे कि कैसे वो इतने हज़ारों करोड़ अपने हर साल डोनेट करते हैं और उसके साथ साथ में बिल गेट्स एंड वॉर बफे जिन्होंने इतना पैसा होते हुए भी हैव चूज़न टू गिव इट अवे टू चैरिटी अगर मैं अजीम प्रेम जी की बात करूं तो उन्होंने जो बिल्स एंड मिलिंदा फाउंडेशन है उसमें ये साइन किया हुआ है कि जब uh, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी जितनी भी वेल्थ है उसका हाफ़ वो डोनेट कर देंगे इस फाउंडेशन को तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमने बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन से एग्ज़ाम्पल दिए हैं ताकि जो हमारे नंबर आएँ वो बहुत ज़्यादा आएँ तो आपने इस हिसाब इस से ध्यान रखना है कि एग्जांपल्स आपके मल्टीडाइमेंशनल हों और आपके क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करते हों। तो ये था आज का हमारा आंसर आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम इस तरह के आंसर्स को वहाँ पर टैकल करेंगे उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी एंड एट लास्ट की कंटेंट किस तरह से पुट इन करेंगे ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर आए सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो इन केस यू हैव एनी डाउट और कमेंट एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन आई विल टेक दैप टेक दैट अप वन बाय वन थैंक यू सो मच